अब जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी किचन की सेफ्टी की, ठीक है ना। किचन के अंदर अभी हमारा हमारा सब तरीके से खतरनाक चीजें हैं, पानी भी उसमें है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें है, ठीक है ना। मतलब आप फिसल के गिर भी सकते हो, आग भी वहाँ पे हमारी होती है, तो सब कुछ है वहाँ पे। तो अब सबसे जो बड़ी किसकी कीमत होती है, इंसान की खुद की जान की होती है, ठीक है ना। अगर हम खुद अपनी सेफ्टी नहीं रखेंगे, ठीक है ना, तो बाकी तो कौन रखेगा, है ना। और कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो किचन के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि ये सारी किसी भी प्रकार की हमारी जो दुर्घटनाएं ना हो। तो प्रिवेंटिंग स्लिप्स एंड फॉल इन द किचन, इसको हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पिक्चर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक शेफ है जो अपना प्रॉपरली गार्बेज को लेके जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एम्प्टी ऑल गार्बेज कैंस फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब कि समय समय पर आपको जो अपने गार्बेज जो बिन है उनको वहाँ पे क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सुबह जो गार्बेज भरा पड़ा है, होता है ना ऐसे नॉर्मल, शाम तक भरा पड़ा है, ऐसे नहीं। एक समय बांध लो कि भाई हर 3 घंटे के बाद आपको अपने गार्बेज को जो रखना ही रखना है। जरूरी नहीं कि जब भरे तभी उसको करोगे, क्योंकि जो उसके अंदर जो गार्बेज है ना, उसके अंदर भी बदबू आने लग जाएगी अगर आप उसको 2-3 घंटे के बाद नहीं फेंकोगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारे यहाँ फ्रीक्वेंटली, तभी ऐसा नहीं कि भाई मेरा जो गार्बेज पूरे एक दिन भरने में लग जाता है तो आप पूरा शाम को इसको फेंकोगे, नहीं। हर 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपने उस गार्बेज को हटा देना है वहां से, ठीक है जी। दूसरा इसमें यहाँ पे क्लीन फ्लोर रेगुलरली एंड क्लीन अप द स्पिल्स इमिडिएटली। अब यहाँ पे जो आपके जो फ्लोर है उनको आपको रेगुलरली क्लीन करना है। रेगुलर क्लीन करने का मतलब क्या हो गया, आपको एक समय बांध लेना है, जो कि ये सब मैं आप लोगों को सेपरेटली बताऊंगा। एक समय बांध लेना है कि भैया सुबह इस समय, शाम को इस समय, दिन में इस समय क्लीन होना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी क्लीन पड़ा हो, चाहे कितना भी गंदा पड़ा हो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एक समय पे। स्पिल्स का मतलब क्या होता है, जो अचानक से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई तेल लेके जा रहा था, अचानक से तेल गिर गया, ठीक है। कोई दाल लेके जा रहा था, अचानक से दाल गिर गई। तो ये नहीं है कि फिर आप क्या कहते हैं इंतजार करोगे कि भाई तो कि भाई जो सफाई का टाइम तो 4 बजे था, तो मैं 4 बजे ही क्लीनिंग करूंगा। नहीं, आप 4 बजे क्लीनिंग करोगे, आपको सेम उसी टाइम पे उसकी क्लीनिंग करनी है। खासकर अगर अंडा गिर रहा है, खासकर कोई गर्म चीज़ें गिर रही हैं, या फिर आपका जो ऑयल तेल गिर रहा है, क्योंकि तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि तेल स्लिपरी है, अंडा स्लिपरी है, और जो दाल होती है, क्योंकि दाल भी प्रोटीन होती है, वो भी हमारा स्लिपरी है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद पुट द वार्निंग साइन। अभी आप लोग तो यहाँ पे ये यूज करते होंगे ना, वेट फ्लोर। अब अच्छा, ये क्यों हम लोग यूज करते हैं साइनेज, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, रीजन क्या है बताइए। साइनेज इस्तेमाल करने का रीजन क्या है, जैसे ये होता है ना, ये मैंने साइनेज यहाँ पे लगाया, इसका रीजन क्या है, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं साइनेज को। अभी जैसे होता है ना, आप लोग तो यहाँ पे रोज रहते हो, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि भैया कितने बजे क्लीनिंग हो रही है, क्या हो रही है। बट मैं नया हूँ, मेरे लिए बिल्कुल चीज़ें नहीं है, तो मुझे नहीं पता यहाँ का फ्लोर स्लिपरी होता है, कितने बजे क्लीनिंग होती है। तो ये एक साइन होता है, एक साइनेज होता है कि भैया कि यहाँ पे ये वेट फ्लोर है, देखा है ना, वेट फ्लोर है, कॉशन, मतलब कि भैया सावधानी, यहाँ पे गीला है, आप गिर सकते हो। मतलब कि जो देखने वाला उसको समझ आ जाए कि भैया यहाँ पे गीला है, और मैं सावधानी बरतूंगा कि भैया मैं वहाँ पे गिर ना जाऊँ, ठीक है जी। तो ये साइनेज इस्तेमाल हम लोगों को करना है, स्पेशली अपने किचन के अंदर, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे, वो है हमारा वेयर वेल फिटेड नॉन स्लिपरी फुटवेयर। अभी जैसे आप लोगों के जूते, ठीक है ना, जूते कोई भी पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे जूते होने चाहिए कि स्लिपरी ना हो, है ना। कोई कोई जूते होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, जैसे उसके जूते ठीक है, उसके वैसे ये भी ठीक है, ये वाले स्लिप नहीं होते, ठीक है ना, जैसे मेरे भी ठीक है। बट कई सारे जूते ऐसे होते हैं जो कि स्लिपरी होते हैं, और मतलब कि फिर मे बी आप जैसे यहाँ तो किचन्स कम है, छोटे ना, बट बड़े बड़े किचन्स होते हैं, लोग ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं कि लोग उसके बाद लोगों की हड्डियाँ ही टूट जाती हैं, है ना। मतलब बड़े बड़े किचन्स में होता है ये, है ना, यहाँ तो आपके छोटे किचन्स है। तो कोशिश करनी है कि हम लोग आदत डाल लें, क्योंकि सबसे बड़ी किसकी, आपकी खुद की जान की कीमत है, ठीक है ना। और अपने आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना है, ठीक है। अगर आप सुरक्षित होंगे, ठीक है, फिजिकली सही होंगे, तभी आप लोग सही ढंग से काम कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद है कीप वॉकवेज एंड एलाइज क्लीन्स टू द बॉक्सेस टू द आउटर क्लटर। अभी जैसे क्या कहते हैं, बाहर से हमारे डब्बे आ रहे हैं, ठीक है, डब्बे हमारे आ रहे हैं, हम लोग गार्बेज बिन हो गया या कुछ भी हो गया, हम लोग कहीं पे भी छोड़ हम लोग देते हैं, बट उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है
है ना, हर जगह की, हर जगह का एक पूरा का पूरा आप लोगों ने यहाँ पे होगा। जैसे मतलब मेरी स्टोर है तो स्टोर के अंदर आपको स्टोर रखना है, ठीक है। जो गार्बेज की जगह आपको गार्बेज रखना है, ये नहीं कि आप जो रास्ते के अंदर आप कुछ भी वहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अवॉइड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्विंग डोर्स एंड डोरवेज। अभी जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, अभी दरवाजा किधर खुलता है, बाहर खुलता है अंदर खुलता है, अंदर खुलता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस दरवाजे के यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, तो कोई बाहर से आके तो मार के ही चला जाएगा, ठीक है ना। अब बाहर वाले को तो पता नहीं है ना, या तो मैं इसको बंद करके रखूँ कि भाई बंद है, तो बाहर आएगा तो खटखटाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। बट अगर ये ऐसा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कोई आके मुझे मार ही देगा, ठीक है ना, स्विंग ये दरवाजे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर आपको खड़ा नहीं होना है जहाँ पर कि आपको चोट लग सकती है, ठीक है। इंश्योर यू कैन सी वेयर यू आर गोइंग व्हेन कैरिंग द लार्ज आइटम। अब बहुत बड़े बड़े जैसे हमारे बॉक्सेस होते हैं या डब्बे होते हैं या किचन के अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो भी सामान आप उठाओ इतना हाइट नहीं होगी कि आपको नज़र ही ना आएगी, आप जा किधर रहे होते ना, डब्बे आपने पकड़ लिया आपको समझ नहीं आ रहा, तो उतना ही उठाना है जितना कि आपको समझ आए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप बोल सकते हैं जो कि आप लोगों को यूज़ करनी है अपने किचन्स के अंदर, ताकि आप लोग खुद सुरक्षित रहें, किसी प्रकार से आप लोगों को चोट वगैरह ना लगे। जैसे कि मैंने पहले बोल दिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है, और जान का खतरा है, ठीक है। तो बट अगर हम लोग एक प्रोफेशनल मैनर में अगर हम लोग काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें ईजिली हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपने डेली यूज़ के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ सिंपल है ना, ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।